हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड का EVS सेकेंड यूनिट टेस्ट। ओके, तो हो जाता है, एक दो दिन थोड़ा सा गैप हो जा रहा है, तो उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। लेकिन आज हम लोग करेंगे EVS का सेकेंड यूनिट टेस्ट। तो यहाँ से हम लोग का ये पूरा पेपर पैटर्न है, जो कि सेकेंड यूनिट टेस्ट में जितने भी अब तक हमें चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं सेकेंड टर्म के बाद, उसमें से कुछ इस तरह से ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको ये हेल्पफुल हो। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, ऑल ऑफ अस हैव अ डैश। तो हमारे पास क्या है? फैमिली। तो यहाँ पर ऑप्शन आंसर आएगा फैमिली। सेकेंड, मुस्लिम सेलिब्रेट डैश ईद। चिल्ड्रंस प्ले इन द डैश प्लेग्राउंड। सेकेंड, फोर, क्रिश्चियंस गो टू डैश टू प्रे चर्च। क्रिश्चियंस कहाँ प्रे करने जाते हैं? चर्च में। देन फिफ्थ इज, वी लर्न टू डैश एंड राइट इन स्कूल। तो हम स्कूल में पढ़ने के साथ साथ क्या करते हैं? लिखते भी हैं। तो रीड एंड राइट, तो यहाँ पे रीड एंड राइट आएगा। नेक्स्ट है बी, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमारा है मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन। जैसे मैच द फॉलोइंग में क्या है? हिंदू, क्रिश्चियंस, सिख, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है चर्च 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, गुरुद्वारा, टेंपल। पहला क्या है? हिंदू। हिंदू कहाँ जाते हैं? टेंपल में। सेकंड, क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस कहाँ जाते हैं? चर्च। सिख, गुरुद्वारा। रिपब्लिक डे कब है? 26 जनवरी। गांधी जयंती कब है? 2 अक्टूबर। अब आते हैं हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आंसर 2A, टिक द करेक्ट आंसर। हमें यहाँ पे करेक्ट टिक करना होता है कि हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है। तो पहला है वी स्टडी इन क्लासरूम प्लेग्राउंड इन द स्कूल। तो हम स्कूल में पढ़ाई कहाँ करते हैं? क्लासरूम में ना, तो हमें क्लासरूम पे टिक करना है। वी गेट बुक्स टू रीड एंड काउंट। हम बुक्स को पढ़ने के लिए लेते हैं या सिर्फ काउंट करने के लिए? तो रीड करने के लिए, तो यहाँ पर आएगा रीड। वी प्ले गेम्स इन प्लेग्राउंड और लिविंग रूम। तो हम लोग कहाँ खेलते हैं? प्लेग्राउंड में। लिविंग रूम में तो खेलेंगे नहीं, नहीं तो मम्मी से पिटाई हो जाएगा, तो प्लेग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 2 बी, राइट गुड्स और बैड। अब हमें इसमें राइट गुड्स एंड बैड्स लिखना है। जैसे पहला है पुनीत फाइट विथ हिज ब्रदर। तो पुनीत अपने ब्रदर से फाइट करता है, तो क्या अच्छी बात है? नहीं, बैड। तो हमें यहाँ पर लिखना है बैड। पूजा रन्स इन द क्लासरूम। क्लासरूम में भागना अच्छी आदत है? नहीं, बुरी आदत है। तो यहाँ पर क्या आएगा? बैड। मधु कीप हर रूम क्लीन। मधु हमेशा अपने रूम को क्लीन रखती है, तो ये क्या है? गुड हैबिट। टॉम ड्रॉप द ऑल टॉयज इन द बास्केट। यानी बच्चे का नाम है टॉम, जो अपने खिलौनों को हमेशा बास्केट में रखता है, तो इट्स अ गुड हैबिट। तो यहाँ पर आएगा गुड। फिफ्थ, शीतल बाइट्स हर यंगर ब्रदर। मतलब शीतल है जो अपने छोटे भाई को काटती है, तो क्या ये गुड और बैड है? बैड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैड। आते हैं हम नेक्स्ट। आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट है नेम द टू पार्ट्स ऑफ फैमिली। अब हमें अपने टू पार्ट्स ऑफ फैमिली के बारे में लिखना है। जैसे पहला न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली यानी जो केवल मम्मी पापा भाई बहन बस इतने ही रहते हैं, और जॉइंट फैमिली में मम्मी पापा चाचा चाची ग्रैंडपा कजिन्स, तो उसे कहते हैं हम जॉइंट फैमिली। थर्ड, सेकेंड, हु इज़ द हेड ऑफ द प्रिंसिपल स्कूल। हु इज़ द हेड ऑफ द स्कूल। हमारे स्कूल के हेड कौन होते हैं? प्रिंसिपल। नेम द कलर्स ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। हमें अपने नेशनल फ्लैग का कलर बताना है, तो हमारे नेशनल फ्लैग का कलर क्या है? सेफ्रॉन वाइट ग्रीन, राइट। फोर्थ, हु बर्थडे इज सेलिब्रेट बाय चिल्ड्रंस डे। किसका बर्थडे चिल्ड्रंस डे, यानी किनके जन्मदिन के बाद हमने चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करना किया था? जवाहरलाल नेहरू। तो इनके जन्मदिन पे चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट होता है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी को बच्चे बहुत पसंद थे। आई एम राइट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बी, नेम द फॉलोइंग। द फेस्टिवल ऑफ लाइट। फेस्टिवल ऑफ लाइट क्या है? दिवाली। सेकेंड, फादर सिस्टर इज कॉल्ड आंट, यानी आंटी। मदर्स मदर इज कॉल्ड ग्रैंड मदर। मदर ब्रदर इज अंकल।
यानी मम्मी के पापा को, मम्मी के भाई को क्या कहते हैं? अंकल। अब ये तो हो गया इंग्लिश में क्या कहते हैं, अब हिंदी में क्या कहते हैं? क्या है, फादर सिस्टर्स कॉल्ड। हम अपने पापा की बहन को क्या बुलाते हैं? बुआ। मम्मी के मम्मी को क्या बुलाते हैं? नानी। और मम्मी के भाई को क्या बुलाते हैं? मामा। तो ये हो गया हमारी मातृभाषा में, जो कि हम अपने भाषा में कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में आंटी, अंकल और ग्रैंडमा, ग्रैंडफादर। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों का EVS का पेपर पैटर्न पूरी तरह से कंप्लीट, जो कि इस बार आपको सेकेंड यूनिट टेस्ट में पूछा जाएगा। अगर आपको ये पूरा चाहिए तो आप इसका प्रॉपर एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप अपने बच्चों को घर पे इसी तरह से प्रैक्टिस करवा सको। मेरे हर एक पेरेंट्स से रिक्वेस्ट होती है कि वो इस तरह से अपने बच्चों को ना एक क्वेश्चन पेपर, ऐसा पेपर पैटर्न बना कर दिया करो, ताकि ना बच्चे एक बार घर पे लिखने का हैबिट उनका हो जाएगा ना, तो उनको मतलब स्कूल में जो पेपर उनको मिलेगा तो उन्हें वहाँ पे लिखने में कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएंगी। सो प्लीज़ इसको एक बार ट्राई करके देखो, आपके बच्चों में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। आप घर पे क्लास टेस्ट लो, जो भी उनको रिवीजन मिल रहा है या फिर आपको जो मेरे द्वारा रिवीजन मिल रहा है, वो रिवीजन एक प्रॉपर जिस तरह से मैंने एक इसमें बनाया हुआ है उस तरह से बनाओ और बच्चों को दो, देखो उनमें कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा, आपको भी अच्छा लगेगा। वैसे बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। बाय।